हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। सो गाइस, आज मैं जा रही हूँ शादी में। मेरी फ्रेंड की शादी है आज, तो वो बंगाली है, तो मैं आप लोगों को बंगाली शादी दिखाऊंगी कि कैसी होती है। गाइस, तो मैं रेडी होती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो गाइस, फाइनली मैं रेडी हो चुकी हूँ और मैं ऐसे लग रही हूँ, आप देख लीजिए मैं कैसे लग रही हूँ। तो गाइस, मैंने कोई गिफ्ट तो नहीं लिया अपने फ्रेंड के लिए, बट मैं ये लिफाफा ले दूंगी उसको, वो अपनी चॉइस से कुछ भी ले लेती है। गाइस, तो मिलते हैं आप सीधा शादी में। गाइस, फाइनली वो मेरे फ्रेंड्स लोग मेरा वेट कर रहे हैं, तो मिलते हैं। हाय मानी, कैसे हो? अच्छे आप? चलो अब चलते हैं अंदर, फिर मिलते हैं। हम करते हैं गेट की एंट्री। गाइस, ये है मेरी फ्रेंड पूजा, तो इसी की आज वेडिंग है। तो देखिए कितनी सुंदर लग रही है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा गाइज कि मेरी फ्रेंड कितनी सुंदर लग रही है। हाँ, तो ये है हिमानी, ये है खुशबू और ये है पूजा। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, हमें फ़ोटो शूट चल रहा है इन लोगों का। अभी सब लोग गोलगप्पे खा रहे हैं, देखिए सब लोग, ये लोग लाइन पे लगे हुए हैं यहाँ पे। हम लोग अब खाना खाने जा रहे हैं और यहाँ पे ये साइलेंट है इतना सारा ये, और यहाँ पे ये खाना है। तो मिलते हैं हम अभी थोड़ी देर में आपसे। गाइस, जो भुक्कड़ लोग हैं, ये लोग मेरे से पहले ही खाना खा रहे हैं, बोल रहे हैं पहले हम खाएंगे। कितनी भूख लगी है हेमानी तुझे? तो गाइस, अब खाना खाते हैं, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। जीवे रखदा है छावन सजा के फूलानू, कोई माली सांभ के सानू रखिया बना के गुल दसता, तू मुखड़े ते लाली सांभ के ऐसे तेरी फुलवारी रे, हाय तेरे बिना रुल जाना साडा चिड़िया दा चंबा वे बाबुल यहाँ पे दूल्हा दुल्हन बैठ चुके हैं फेरों के लिए, फेरों की तैयारी चल रही है शायद। तो मैं आपको पूरी वीडियो दिखा रही हूँ, मतलब कि क्या क्या चीज़ें होती हैं इनके में, तो मैं प्रॉपर आपको सारी चीज़ें दिखा रही हूँ गाइज। और आप लोग बताइएगा दूल्हा दुल्हन कितने अच्छे लग रहे हैं।
गाइज वहाँ पे अभी एक डेढ़ घंटा और लगना था तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था एक्चुअली। अभी 10:30 हो चुका है तो मुझे 11:30-12 बजे तक वहाँ पे रुकना पड़ता, इसीलिए मैं वहाँ पे रुकी नहीं क्योंकि नियान भी अकेले था घर पे और वो रो रहा था, इसीलिए मैं आ गई। तो गाइज इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाय गाइज़।